यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा त्योहार है। तो यहाँ पर जलेगा 60 साउंड, जो कि जलाएंगे हमारे बड़े भाई अवधेश भाई। फिर हम हाथ देख के रोक लेंगे दोनों साइड लोगों को कि भाई रुक जाओ, पटाखे वगैरह हम फोड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही गाइस घर से, और हम ये अपनी प्यारी सी बेबी को हॉस्पिटल दिखा के आए हैं। इसके दाने जैसे हो गए हैं कुछ, दिखाओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। तो गाइस हॉस्पिटल दिखाने के जस्ट बाद मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है, और भीड़ बहुत थी यार। आज धनतेरस का दिन है, तो आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाइयाँ। और भीड़ इतनी गजब है ना, अगर आप लोग गए होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा, गाड़ियाँ ले जाने नहीं दे रहे हैं। बाहरी बाइक खड़ी करो, कार खड़ी करो, पैदल जाओ अंदर। अंदर बिल्कुल टू व्हीलर खिलाओ नहीं था, तो जैसे तैसे गए और दिखा लाए। तो अभी जाते हैं सीधे दुकान पे, और टाइम काफ़ी हो गया है, तो शायद अब दिन का टाइम हो गया, तो गुड आफ्टरनून भी आपको। तो चलो चलते हैं दुकान पे, क्योंकि हो सकता है कपिल भाई लोग खाना खाने चले गए, बट इसको घर पे छोड़ दिया है, तो अब चलते हैं। बाय कर दो, बाय कर दो। तो गाइस लेके चलते हैं स्कूटी, और ये मेरा बाहर का मिरर है, और जब भी मुझे अपने आप को देखना होता है बाहर जाते वक्त कि कैसा लग रहा हूँ, तो मैं ये वाले मिरर पे देख लेता हूँ। ठीक है चल, अपनी विंडो की। तो यह है स्कूटी, और ये रही चाबी भाई की। तो लेके चलते हैं। मौसम लेकिन गाइस बहुत ज़्यादा ना गर्म हो रहा है दिन में यार, कभी तो ऐसा लग रहा है ठंडा आ गया, कभी ऐसा लग रहा है मई जून की गर्मी हो रही है। और इसी वजह से समझ में नहीं आ रहा है कि टी शर्ट जो पहने या विंडशीटर पहने, पर फिलहाल तो दिन में गर्म है तो टी शर्ट पहनने में ही फ़ायदा है, तो मैंने अभी टी शर्ट पहन रखी है। तो गाइस अभी डेढ़ करीबन बज गए हैं, तो पता नहीं कपिल होगा दुकान पे, नहीं होगा, बट मैं जाता हूँ एक बार देख ही लेता हूँ, क्या पता हो और वहाँ पर ऊपर वाली दुकान पे नहीं होगा तो नीचे वाली दुकान पे होगा। तो गाइस वो तो है नहीं यहाँ पर यार, वो लोग लग रहा है चले गए खाना खाने। तो गाइस मैं याली दुकान पे पहुंच गया हूँ अपनी सेकंड वाली, बट भाई लोग यहाँ पर भी अभी बढ़ा के गए हैं, तो खाना खाने गए होंगे, बट फिलहाल यहाँ पर खड़ी है अपने सूरज भाई की कार, ये रही। तो सूरज भाई आए होंगे बगल वाली दुकान में। हमारे अवधेश भैया, भैया क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, आप बताएं। आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धनतेरस की शुभकामनाएं। तो गाइस जिसको भी चांदी के सिक्के चाहिए, पायल चाहिए, कुछ भी चाहिए, सोना चांदी, भैया के पास आ जाओ जल्दी से। देखो कितना प्यारा प्यारा कलेक्शन रखा है भैया ने, देखो ये आप देखो, माता रानी की मूर्ति, लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है, और बाकी जो जो आपको चाहिए होगा आइटम सारा अवधेश भैया आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में देंगे। तो सूरज भाई आए हैं दुकान पे, भाई लोगों का तो इनसे मिलते हैं। भाई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, सूरज भाई ये हमारे पायलट, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी चलाते हैं, इनकी गाड़ी है ये वाली ट्रिपर। तो कभी आपको चाहिए होगी ट्रिपर तो मैं मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा रेट। सही है, रेट बहुत जेन्युइन लगाते हैं हमारे सूरज भाई। दिल्ली में आपको किसी भी कोने में जाना हो तो बिना मैप के भी ये चल देते हैं, और काफ़ी अच्छी आपको सुविधा वाली आपको ड्राइविंग देंगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया वाली। तो कभी भी किसी को बुकिंग करानी हो ना तो मुझे बता देना, मैं डायरेक्ट आपको भाई का नंबर दे दूंगा। A few moments later. तो गाइस मैं आ चुका हूँ दुकान पे, और आज दुकान में काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है मिस्टर कपिल को। ये है वो लड़के, बहुत अच्छे
तो चेंजेस क्या कर गए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ तो ये डमियाँ जो हैं जिसमें नए नए आर्टिकल बनाए हैं, ये कपिल भाई ने बनाए हैं, बाकी दो कल पुराने वाले ही हैं। और ये देखो आप सामने से गाइस, जो आपको ये हैंगिंग दिख रही है ना बीच में और नीचे, तो दोनों जो रैके हैं उनको किनारे करके बीच में प्रॉपर हैंगिंग कर दिया गया है। तो ये जो डेकोरेशन किया है ये किया है मिस्टर कपिल ने। कपिल भाई वेल डन, कमाल कर दिया आपने। कितने टैलेंटेड हैं आप। और बाकी हमने सारा जो विंचीटर है जो नए आए हैं और कुछ जो हमारे पुराने आर्टिकल हैं, मतलब ज़्यादा पुराने नहीं है, एक हफ्ते के आसपास पुराने, और ये कुछ नए वाले ये हमने यहाँ पर हैंग कर दिए हैं। और ये कल शीशा जो लगाया था तो वो तो मैंने कल के व्लॉग में आपको दिखा दिया था। और बाकी ये रही चाय जो है गाइस मैं लाया हूँ अवधेश भैया के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर तक आया, भाई ने मुझे बाइक में छोड़ा, तो मैंने कहा यार भाई एक काम करो तुम मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो, मैं चाय भी ले लेता हूँ, क्योंकि हर दिन अवधेश भैया पिलाते हैं, आज मैंने कहा मैं ले लेता हूँ, तो इसलिए मैं चाय लेके आ गया हूँ। और चलते हैं अवधेश भैया की शॉप में और वहाँ चाय पीते हैं। अवधेश भैया रोज आप मुझे चाय पिलाते हो, आज मैं आपको चाय पिला रहा हूँ, ठीक है? ओके। ओह माय गॉड, चांदी की पायलें। भैया आज आप मुझे धनतेरस में क्या गिफ्ट दे रहे हो? आज धनतेरस में कुछ तो दे दूंगा यार। देखो भैया ने कह रखा है कि अजय भाई आपको एक चांदी की मैं चैन गिफ्ट दूंगा, पर उसके बदले आपको पहले मुझे 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैंने इनसे बोला कि काम करो आप चैन दे दो, 25,000 रुपये हर महीना 10 रुपये किस्त के हिसाब से मेरी बना दो, फाइनेंस चाहे कोई सा भी कर दो चलेगा। क्यों आज धमाकेदार एक साउंड होने वाला है आज धनतेरस के उपलक्ष में, भैया की तरफ से आज फूटने वाला है स्टी साउंड। क्यों भैया? हाँ आज से दिवाली की शुरुआत हो जानी चाहिए। आज से दिवाली की शुरुआत हो गई है, तो आज भैया 60 शॉट जो वो है बॉम्ब है वो आज फोड़ने वाले हैं। तो भैया के चेहरे में आज स्माइल बहुत अच्छी है। और ये रही चाय, तो गाइस अभी बात आपसे थोड़ी देर में करते हैं, फिलहाल चाय लौटा देता हूँ, क्योंकि भैया के पास कस्टमर आए थे तो मैं वेट कर रहा था, तो थैली में चाय जो है ठंडी हो गई है तो पहले उसे पी लेते हैं। तो गाइस आज है धनतेरस, तो हम लोग आज दिए जला रहे हैं बाहर से, दुकान के बाहर से दिए में डल रहा है तेल, और उसके बाद कोई बात नहीं डूबने दो बात ही हो, फिर चलाएंगे बाहर से दिए, उसमें भी डालो थोड़ा ज़्यादा डालो यार, तेल में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, तेल दबा के डालो बस बस। तो गाइस आज दिए जलाते हैं, तो दुकान के बाहर दिए जलाते हैं, ऐसे ही आप लोगों की लाइफ में भी धन की वर्षा होती रहे, आप लोग बहुत तरक्की करें, ये मेरी आप सब लोगों के लिए दुआएँ हैं, भगवान आपको खूब तरक्की दे, आपके भाई को भी दे, आपको भी दे, मिल के तरक्की करें आप हम सभी लोग। तो चलते हैं दिए जलाते हैं और फिर धनतेरस मनाते हैं, और अभी 60 जो साउंड है वो फोड़ने का टाइम भी है थोड़ी देर में, तो वो भी आपको दिखाएंगे। कपिल भाई आ गए हमारे दिया लेके। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा त्योहार है। देखो बहुत बढ़िया, वेल डन। तो गाइस धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, चलते हैं अवधेश भैया के पास। अरे अवधेश भैया ने भी देखो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे देखो प्यारे प्यारे से दिए लगा दिए हैं। और ये रहा पानी में तैरने वाला दिया, पानी में तैरने वाली मोमबत्ती जो भैया स्पेशली लेके आ रखे हैं मार्केट से, और एक दिया यहाँ लगाया है, दो मोमबत्ती हमने यहाँ अपने भाई की दुकान के आगे लगा दी है, यानी कि भैया ने अवधेश भैया ने, क्योंकि भाई हमारा जो है वो चले गया है अपने घर यानी कि पहाड़, तो हमने कहा यहाँ पर भी लगा देते हैं, क्योंकि अब
ये जितनी भी दुकान है वो सारी अपनी दुकान है, क्यों भैया? तो अभी बारी है उस चीज की जिसका बेसब्री से इंतजार था मैं दो तीन दिन पहले से, भैया के 60 साउंड का। भैया कितनी देर में बजेगा? 10 मिनट। तो काउंट डाउन शुरू हो चुका है, 10 मिनट बाद आपको देखने को मिलेगा 60 शॉट यानी 60 साउंड। जय हो। 60 साउंड यहां पर निकल चुका है, देखो गाइस, ये रहा अपना 60 शॉट्स 60 साउंड। फूटेगा भैया ये बत्ती यहाँ पर है। तो जस्ट अभी थोड़ी देर में ही साउंड जो है वो बाहर आएगा, क्योंकि अभी क्या है ना कि थोड़ा सा भीड़ है बाहर, तो जैसे ही हल्का सा भीड़ कम हो जाएगी उसके बाद हम जलाएंगे इसको। तो भैया ने अनबॉक्सिंग कर दी है, रिबन काट दिया है भैया, उसके बाद अब चलेगा क्योंकि अभी भीड़ भाड़ आज धनतेरस की वजह से है ही। देखो हल्का फुल्का क्राउड जो है चल ही रहा है, तो जैसे थोड़ा सा कम हो जाएगा, इनको पता होगा इस दूरी एंड केस वाले इनसे पूछिए, तो जैसे थोड़ा कम हो जाएगा वैसे ही हम झाड़ू वाला लॉजिक इनसे पूछिए। और भैया अपने लिए झाड़ू भी खरीद के लिए आए हैं। क्या है झाड़ू का भैया, ये झाड़ू का क्या है? आप कुछ ऐसे इस पे टिप्पणी, आप झाड़ू का लॉजिक ये है ना कि लक्ष्मी माता को सफाई पसंद है, इसलिए झाड़ू ये लाया जाता है कि आप साल भर सफाई करते रहो, साफ सुथरे रहो। तो गाइस आ चुका है हमारा 60 शॉट, हमारे अवधेश भाई जो हैं लेके जाते हुए इसको कोने पे। अरे ठीक है, उधर तार है ना। हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर जलेगा 60 साउंड जो कि जलाएंगे हमारे बड़े भाई अवधेश भाई 60 साउंड को अपने ही तरीके से। और ये रोड है, रोड के हम थोड़ा किनारे पे जला रहे हैं जिससे किसी को दिक्कत ना हो। बाकी अभी हम हाथ देके रोक लेंगे दोनों साइड लोगों को कि भाई रुक जाओ, थोड़ा आगे कर लो, इधर कर लो, पटाखे वगैरह हम फोड़ रहे हैं। तो अरे तुम खड़े क्यों हो वहाँ पे? वहाँ पर से गाड़ी वालों को कहोगे यार भैया हम जरा कर रहे हैं, 2 मिनट करने दो भैया। अरे जलाओ जलाओ 60 साउंड यहाँ पर फूटने को तैयार। ये जल चुका है, साउंड जाने को रेडी है। साउंड जलने को रेडी है यहाँ पर 60 साउंड हमारा। दूर से आपको दिखाता हूँ, ये गया पहला, ये गया दूसरा, ये गया तीसरा, बहुत नीचे नीचे आ रहे लगा भी। भाई साहब दबा के फूट रहे हैं, दबा के गजब 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 गया। अरे भाई कौन कितने हैं? चार पांच ही है, अब ज्यादा नहीं है, हो गया। तो गाइस 60 शॉट जो है वो फूट चुका है भयंकर तरीके से, तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी को कोई हानि हुई है। तो अगर आप पटाखे फोड़ रहे हैं तो बहुत ही सेफली फोड़िए, लोगों का भी ख्याल रखिए, साथ साथ अपना भी ख्याल रखिए, सही चलेगा। तो हमारे अवधेश भैया का जो 60 शॉट है वो जल चुका है, और बहुत ही धमाकेदार उसकी जो हुई, मतलब साउंड जो था बहुत जबरदस्त था। तो गाइस 60 साउंड जो है फूट चुके हैं, और अब टाइम हो चुका है घर जाने का, तो सीधे निकलते हैं घर को क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, और धनतेरस बहुत अच्छा रहा है, हमने पटाखे फोड़े। तो इस वाले ब्लॉग को गाइस यहीं पे एंड करते हैं, अगर आप नए हैं तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी, बी काइंड।